सो यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज अनीस एंड आज हम एक बार फिर से हैं अपने उसी प्रोग्रेस वाली जगह पर मिलने अपने माउंटेन पे। एंड यहाँ पे मैंने एक नेदर पोर्टल बनाने की कोशिश की थी जो कि बिल्कुल बन ही चुका है। अरे यार, मुझे बोर्ड चलाने में वजह से बहुत मज़ा आता है। अरे यार, ये एनविल कहाँ से लग गया गाइस, थोड़ा बहुत लैग कर रहा है तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज इसमें स्पेस नहीं रहती। इस मोबाइल में तो थोड़ा लैग करता ही है। नहीं, मैं अभी आपको इसे एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना होगा फ्लेंट एंड स्टील। ओके, फ्लेंट एंड स्टील यहाँ पे मुझे मिल चुका है, जिससे मैं इसे कर लूँगा ऐसे एक्टिवेट। तो गाइस, भाई क्या ही एनिमेशन है गाइस, देख सकते हो आप, भाई मज़ा आ गया, कतई मौज कर दी यार। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं नेदर में तो बाद में जाऊँगा, बट उससे पहले मैं अपनी और भी प्रोग्रेसेस को दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने एक स्केलेटन एक्सपी फार्म बनाया है, तो उस वाली प्रोग्रेस को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ, पर यहाँ से हमारा एंट्री है वहाँ का, तो मैं आपको चलते है, दिखाते हैं। ओके, ये मैं अंदर आ चुका हूँ, इसे बंद करते हैं, अभी चलते हैं नीचे। ओ गाइस, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नीचे। भाई साहब, स्केलेटन वेट कर रहे थे अपने मरने का, क्या कि बोस से मारते हैं गाइस, मज़ा आता है बोस से मारने में। ओ भाई गया, अब इसे भी मारेंगे ऐसे ऐसे, इसके हेड पे मारते हैं, पट से हेड शॉट। तो अरे अरे भाई, एक और आया, ये ले तू भी पट से हेड शॉट खा, ये ले, गया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड अभी मैं आपको एक सेकेंड दिखा देता हूँ। अबे यार, लैग क्यों कर जाता है भाई साहब, ये लैग कर जाता है, मेरा एकदम दिमाग ख़राब कर देता है। ओके, तो मैं सर्वाइवल में यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड अभी आप देखिएगा, मैंने आज एंडर ड्रैगन को भी मारा था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं शूट कर लूँ, एंड मैंने ऑन भी किया था, बट पता नहीं वो शायद स्टोरेज स्पेस ना होने के कारण बंद हो गया था। तो अभी मैं वापस क्रिएटिव में आ जाता हूँ। ओके, चले, एंड अब इन्हें मारेंगे बोसे, वक बोसे, गया, बाय बाय, टाटा। एंड यहाँ पे मैंने एक चेस्ट लगाया जिसमें से इनकी चीज़ें इकट्ठा होती है, जो भी ये अपना गिराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे एरो इकट्ठा हो गया, हे, पट से हेड शॉट। तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मैं आपको और भी चीज़ें मुझे दिखानी है, तो अभी मैं जस्ट चलता हूँ, थोड़ा सा सीन कट करता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पे दो स्पॉनर, अभी तू क्या कर रहा है। देखिए, तो ये इस तरह से स्पॉन करके आते हैं, यहाँ पे दो स्पॉनर से ये स्पॉन होते हैं, एंड यहाँ पे आ जाते हैं। पहले मैं कुछ टॉर्चेस लगा देता हूँ, वरना ये स्पॉन होके दिमाग ख़राब करते रहेंगे। मैं जल्दी से यहाँ पे एक टॉर्चेस लगा देता हूँ, एंड अब ये नहीं स्पॉन होंगे। ओके, तो यहाँ पे स्पॉन होते हैं, ये वाटर सोर्स है जिससे ये बहते बहते आ जाते हैं वहाँ तक। तो मैं आपको देखिए, ऐसे ऐसे बहते बहते आएंगे, कुछ कुछ यहाँ पे अटक जाते हैं, बट फिर वो आगे जाना चाहते हैं, आगे जाते जाते में वो ऐसे गिर जाते हैं, स्लाइम बॉल में उछलने लग जाते हैं। वाह भाई, मुझे मज़ा आ रहा है, कतई मतलब मज़ा आ रहा है। ओके, अभी मैं आपको अभी यहाँ से टॉर्च भी हटा देता हूँ, जिससे ये स्पॉन होना फिर से शुरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पे दो स्पॉनर मैंने जो क्रिएटिव मोड से ही लाया था, तो भी टॉर्च हटा देता हूँ। देखिए भाई, टॉर्च हटाते ही स्पॉन हो गए यहाँ पे। ओके, एक यहाँ पे, ओ भाई साहब, मैं भी कूदने लग गया, चलो चलो चलो। ओके, यहाँ पे आते हैं, मैं ट्रैप डोर बंद कर देता हूँ। देन यहाँ पे मुझे स्लैब एक वो ट्रैप डोर लगाना होगा, तो मैं ट्रैप डोर जल्दी से लगा देता हूँ यहाँ पे। वैसे ये वाली को मैं बहुत ही छोटा वीडियो रखने वाला हूँ, इन्हें शॉर्ट से मारते, चलो भाई। ओ बैठना, क्या कर रहे हो, मरने के लिए तैयार हो ना? ओके, सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉल्फिन टर्टल एंड फिश वाला बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्टल है एंड फिश भी। अरे यार, ये पॉइजन कौन सी फिश देती है, मुझे बताना तो पता नहीं ये कौन मुझे पॉइजन दे देता है हर बार। ये टर्टल कितना क्यूट लग रहा है, ये दोनों टर्टल कितने क्यूट लग रहे हैं। एंड मुझे ये वाली फिश बहुत बिल्कुल भी नहीं पसंद पड़ती, ये पफर फिश, पता नहीं कौन है, मुझे लगता है यही पॉइजन देती है।
मुझे यही लगता है। एंड ये टर्टल, एंड यहाँ पे एक डॉल्फिन भी है जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 डॉल्फिन्स रखे थे, पता नहीं वो 3 पता नहीं कैसे मर गए, पर हाँ मैंने 4 तो रखे थे। एंड और यहाँ पे लूम, मेरे पास उससे पहले कुछ और था नहीं तो मैंने ऐसे ही लूम लगा दिया था, पानी बाहर गिर रहा था पता नहीं कैसे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लूम लगा दिया था। एंड ये बर्फ़ पता नहीं कैसे जमा हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा मैंने शायद इसे बर्फ़ का बनाया है ना नीचे से, इसलिए शायद बर्फ़ जमा जाती है। एंड मेरे घर में यहाँ पे, अरे भाई बिल्ली क्या कह रही, ओ भाई मैंने गलती से इसे मार दिया यार, बस बिल्ली यार इतना रेयरली मिलती है, मैंने मार दिया। ओके एंड यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरी उनके वर्क करने के लिए लैक्टर लगाया। ओ भाई साहब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, तुम बर्तन धोने वाले हो क्या? अरे भाई इसे भी गलती से मार दिया, चलो 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यहाँ पे मैंने 2 ब्लास्ट फर्नेस लगाए हैं, बीच में जैको लैंटर्न लगाए हैं, तो यहाँ पे 4 फर्नेस मैंने लगा दिए हैं। मैंने ये मेरा नीचे वाला किचन है और ये एक छोटा सा बर्तन धोने वाला एरिया सिंपल सा ऐसे ही मैंने बना दिया मजाक में, वैसे इसका कोई काम नहीं है ये बर्तन धोने वाला एरिया का। एंड यहाँ पे वैसे मैंने सोचा बहुत ज़्यादा स्पेस है तो एक शाही घर है, तो भाई मॉडर्न हाउस में मॉडर्न लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक मॉडर्न लाइब्रेरी भी बनाई है जो कि एकदम छोटी सी लाइब्रेरी है, यानी घर के अंदर लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो समझ सकते हो। एक सेकंड ये खुल क्यों नहीं रहा यार, अभी चल चल आके। तो यहाँ पे मैंने एक एनविल लगाया, देन इसके बगल में एक इंचैनमेंट टेबल, देन उसके बगल में मैंने सो गाइस जैसे मैंने इसके बगल में ऐसे बुक शेल्फ्स लगाए हुए हैं, एंड एक लाइब्रेरी बहुत ही छोटी सी बनी हुई है। ओके एंड अभी हम चलते हैं ऊपर। एंड वैसे मैंने ऊपर तो आपको दिखाया ही हुआ है सब कुछ, जो बेड के ऊपर ललन टॉप टेबल क्राफ्टिंग टेबल एंड ये किचन। वो हेलो लाइब्रेरियन जी क्या कर रहे हो, ओ भाई तुम भी यहाँ पे हो? वैसे बेसिकली यहाँ पे 3 विलेजर होते थे, पता नहीं यहाँ पे 2 ही है, तीसरा वाला पता नहीं किधर गया, शायद नीचे होगा। ओ गाइस तीसरा वाला भी आ गया, वाह भाई वाह गजब यार। एंड बिल्ली इतनी सारी कैसे आ गई मेरे घर में? यहाँ पे ललन टॉप मैंने शायद आपको दिखा दिया था, दिखाया था या नहीं पता ना। एंड यहाँ मैंने एक ऊँचा सा टावर बनाया हुआ है जिसमें जैको लैंटर्न सी लैंटर्न सब कुछ लगाया हुआ है। एंड यहाँ पे मैं अपना एक ऑटोमेटिक फार्म बनाने वाला हूँ गाइस। यहाँ से डॉट कैसे टूट गए पता नहीं, मैं कुछ चलाते चलाते मैं क्या क्या कर देता हूँ क्या क्या नहीं कर देता हूँ मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं डॉट लगाऊँ या ना लगाऊँ, ऐसे लगा ही देता हूँ, चलो चलो डॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड इस एरिया को बहुत एक्सटेंड करके मैं ऑटोमेटिक फॉर्म बनाने वाला हूँ अपना। तो गाइस भाई साहब कितनी ऊंचाई से गिरे यार। सो गाइस अभी मैं सोचा वीडियो को एंड कर दूँ, मेरे पहले हम लोग नेदर में चलते हैं एंड मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा नेदर पोर्टल वर्क करता है या नहीं। एंड यहाँ पे हम नेदर में पहुँच चुके हैं। ओके वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेदर की चीज़ों को तो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा। ओके बाय।